हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनादर पार्ट ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। होप यू अंडरस्टैंड वट एवर आई एक्सप्लेन इन आवर प्रीवियस वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड। काइंडली टर्न अप द पेज नंबर 37 इन योर टेक्स्ट बुक। सो यू कैन सी ओवर योर लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो। योर पेरेंट्स हैव गिवन यू अ ब्यूटिफुल नेम। आपके पेरेंट्स ने आपको एक बहुत ही सुंदर नाम दिया है। योर पेरेंट्स हैव गिवन यू अ मोर ब्यूटिफुल नेम देन योर फ्रेंड। आपके पेरेंट्स आपको और अच्छा नाम दे सकते थे, आपके फ्रेंड से भी अच्छा नाम दे सकते थे, ठीक है। योर पेरेंट्स हैव गिवन यू द मोस्ट ब्यूटिफुल नेम इन द होल क्लास, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपको सबसे अच्छा नाम दिया है इस पूरे क्लास में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ब्यूटिफुल क्या है, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ठीक है, और जिसको कि हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव है, ये किसी की क्वालिटी बताता है ना, किसी की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, उसके नाम को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे तीनों ब्यूटीफुल 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 पढ़ा, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि जो ये कंपेरिजन हुआ है, जो ये कंपेरिजन हुआ है किसका, एडजेक्टिव का, ठीक है। उससे क्या है, सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो गया है। ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या है, ये कंपैरेटिव है, और ये क्या है, सुपरलेटिव है। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। द अंडरलाइन वर्ड ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। फर्स्ट क्या है, इन द फर्स्ट सेंटेंस वी नो दैट योर पेरेंट्स हैव गिवन यू अ ब्यूटिफुल नेम, वी डोंट कंपेयर योर नेम विथ एनीवन एल्स। हमें क्या पता चला कि आपका नाम जो है आपके पेरेंट्स ने दिया है, और वे बहुत ही सुंदर नाम दिया है, हमने इसका नाम किसी से कंपेयर नहीं किया। ये एक कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन क्या है, इन द सेकेंड सेंटेंस वी कंपेयर योर नेम विथ योर फ्रेंड्स नेम। हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया, आपका जो एडजेक्टिव था उसको हमने क्या किया, उसको हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है, कंपेरेटिव कर दिया, कंपेयर कर दिया। और थर्ड सेंटेंस क्या हुआ, इन थर्ड सेंटेंस हमने कंपेयर किया कि आपके नाम को हमने पूरे क्लास के साथ क्या किया, कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो कंपेरिजन, कंपेयर करना, कि आपकी जो एबिलिटी है, आपका जो एडजेक्टिव है, खासियत जिसको बोलते हैं, उसको हमने कंपेयर कर दिया। तो स्टूडेंट इसको ही बोलेंगे हम क्या, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, ठीक है। हेंस सी दैट एडजेक्टिव चेंज देयर फॉर्म, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल एंड मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है। When some kind of comparison is made between two or more than two person or things, in other words, adjective have three degrees of comparison, ठीक है। मैंने ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। तो देर आर थ्री काइंड ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। हियर इज अनादर एग्जाम्पल, रमेश इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। रमेश क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बॉय है, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ा, रमेश इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, ये क्या, कौन सा डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। इसमें हमने किसी से भी रमेश को जो है वो कंपेयर नहीं किया। फिर हमने रमेश को कंपेयर किया हरी से, और क्या हुआ, फिर हमने लिखा रमेश इज स्ट्रॉन्गर देन हरी। तो रमेश क्या है, स्ट्रॉन्गर, हरी से जो है वो स्ट्रॉन्गर है। अरे तो क्या हुआ, रमेश जो है वो बिल्कुल खुश हो गया कि अरे वाह, मैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है, मुझसे स्ट्रॉन्ग कोई नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है क्या हुआ, सुरेश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द मेन। लेकिन जब रमेश की जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अब क्या है,
उसको ये पता चला कि अरे उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो कौन है? सुरेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रॉन्गनेस की बात हो रही है ना, उसको कंपेयर किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कब होता है, जब इससे ये बेस्ट है, मतलब इससे आगे कोई हो नहीं सकता, है ना, सुपरलेटिव, सुपर होता है, ये इसके आगे कोई हो नहीं सकता। तो इस कंडीशन पे क्या है कि ये लास्ट स्टेज है, इससे बेस्ट कोई हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये फॉर्म रखा गया है जो है एडजेक्टिव का। ओके, समझ में आया आपको? अब देखिए क्या है, देन इज यूज टू कंपेरेटिव डिग्री। जब ही भी कभी देन यूज हो तो समझ जाइए क्या है कि वो कंपेरेटिव डिग्री है। रमेश इज स्ट्रोंगर देन हरी, वो किससे, हरी से स्ट्रोंगर है। द यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। ओके, आर्टिकल द जो है वो हमेशा हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में हम यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सुरेश इज द स्ट्रोंगेस्ट, तो स्ट्रोंगेस्ट क्या है, ये कंपैरिजन किया गया है, तो उसके पहले हम लोग द यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑफ इज ऑफन यूज आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ऑफ भी जो है सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे बिग, बिगर, बिगेस्ट हो गया, तो यहाँ पे एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव क्यों हुआ? ये भी पॉजिटिव है, ये भी कंपैरेटिव है, और ये भी सुपरलेटिव है। ठीक है, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल क्यों है? ये आपको कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा होगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे बोल्ड, मोर बोल्ड, मोस्ट बोल्ड क्यों नहीं हुआ? शॉर्ट, मोर शॉर्ट, मोर शॉर्ट, मोस्ट शॉर्ट, ये क्यों नहीं हुआ, यही क्यों हुआ, है ना स्टूडेंट्स? तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है, इट इज़ ऑल अबाउट द सिलेबल। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। फॉर मोर एडजेक्टिव्स वी एड मोर एंड मोस्ट बिफोर देम टू टर्न देम इन टू द कंपेरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे ये नहीं एक्सप्लेन किया गया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स। अब एक्टिव, एक्टिव हम लोग इसको तोड़ के बोल सकते हैं, बिग को बोल के दिखाइए तोड़ के, बिग हम लोग बोल सकते हैं, बग, बिग, बिग नहीं तोड़ सकते हम लोग, क्योंकि ये क्या है, ये सिंगल सिलेबल का है। ठीक है, और एक्टिव, ब्यूटीफुल, फेमस, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे इंटेलिजेंट, ये सारे जो वर्ड है वो डबल सिलेबल वाले हैं, वी कैन ब्रेक इट। तो जो शब्द जो है जिसको हम तोड़ के बोल सकते हैं, उसमें मोस्टली जो है हम लोग मोर या मोस्ट लगाते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के कंडीशन में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा व्हेन एवर यू कन्वर्स विथ समबडी इन इंग्लिश। ठीक है, सो जब भी हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम लोग तोड़, जो सिलेबल तोड़ के बोल सकते हैं, उस पर हम लोग मोर या मोस्ट लगा सकते हैं कंपेरेटिव और सिंपल सुपरलेटिव में। ओके, जैसे ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स, होप आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्या है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर डिग्रीज। तो क्या है, द सम इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल द सम्स इन दिस बुक। तो इजीएस्ट जो है ये इसका एडजेक्टिव है, और ये क्या है, इजीएस्ट, है ना,
तो ये सुपरलेटिव हो गया। कॉपर इज यूजफुल मेटल, किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर, ये कंपेयर कर रहा है देन, ठीक है, वॉच आउट, इसको ध्यान दीजिए, माइंड इट अबाउट देन, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंपेरेटिव हो गया। ओके, करण इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर नहीं है, मोस्ट है, तो ये क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया। दिल्ली इज अ बिग सिटी, किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव। अरुण इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, द भी है, आर्टिकल्स बेस्ट भी लगा है, तो समझ आना चाहिए कि ये क्या है, ये सुपरलेटिव है। अ ग्लास इज हैवियर देन अ स्पून, ठीक है, देखिए देन है तो ये क्या हो गया, ये कंपेरेटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखने के लिए आया है ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ब्यूटिफुल, सॉरी डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट हम लोग तोड़ के बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये दो सिलेबल वाला वर्ड है, इसलिए इसको हम लोग डिफिकल्ट, नहीं कर सकते ना उसको डिफिकलेस्ट और ऐसे करके, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हाई, हायर, हाइएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। डेंजरस, ये भी डबल सिलेबल वाला है, इसलिए मोर डेंजर एंड मोर डेंजर, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आया।